धनतेरस के दिन जरूर करनी है धन्वंतरी जी की पूजा। जी हाँ, चलिए आज इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने के क्या नियम हैं और आपको कैसे पूजा करनी है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का त्यौहार ये 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी चीज़ की खरीदारी करना बेहद ही शुभ होता है, इसलिए लोग सोना, चांदी, भूमि जैसी चीज़ों को इस दिन खरीदते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधि विधान है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि भगवान धन्वंतरी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कब करनी है आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान बताया गया है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद प्रारंभ होता है। प्रदोष का शुभ मुहूर्त लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, इसलिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त यही रहेगा। यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसके साथ ही घर में धन संबंधी सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चलिए जान लेते हैं धन्वंतरी भगवान की आपको कैसे पूजा आराधना करनी है। धन्वंतरी भगवान की पूजा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन पूजा घर में एक पाटा बिछा ले, जिसे पटला भी कहा जाता है, उसमें लाल या पीले रंग का कपड़ा रखें और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या फोटो रख दें। फोटो रखने के बाद धन्वंतरी भगवान के साथ ही माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा करने से पहले दीपक जलाएं। दीपक के नीचे चावल या धान जरूर रख दें। उसके बाद तांबे के लोटे में जल ले लें। जल लेने के बाद सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं और साथ ही आचमन भी कराएं। आचमन के बाद कुमकुम, रोली, पीला चावल, फूल, दुर्बा, पान, श्रीफल और निवेद अर्पित करें। निवेद अर्पित करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। बता दें कि भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का जाप करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से रोग, पीड़ा और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। विशेष शुभ मुहूर्त में ही धनतेरस के दिन आप पूजा आराधना करें। धनतेरस के दिन कोई ना कोई चीज़ जो शुभ है वो ज़रूर खरीद के लाएं। अपने घर में दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और याद रखें कि घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यह त्यौहार बेहद ही पवित्र होता है और इस बीच लक्ष्मी माँ आपके घर ज़रूर आती है।